बयान जारी रखें। मुस्लिम मुस्लिम बदनाम और मशहूर समारा ग्रह का सरगना है, जिसके मकरूह चराई की खबरें रोजाना बराती सुर्खियां बनती रही है।
ये शख्स पिछले 5 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर सैकड़ों बेगुनाहों को कत्ल कर चुका है। बेशुमार डाके, लातादात चोरियां और स्मगलिंग जैसे घिनौने जुर्म कर तकाब करके इसने हमेशा मातृ वतन से गद्दारी की है। मिलोर्ड, ये झूठ है। मुल्क भर में हीरो की चोरियों में तुम्हारा हाथ है, इसलिए कि कीमती और नायाब हीरे तुम्हारी कमजोरी है। और पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार भी उस वक्त किया था जब तुम शहर के मशहूर जौहरी सेठ रमजान की दुकान में नकब लगाकर उसकी तिजोरी से हीरे चुराने की कोशिश कर रहे थे। जरे वाला, ये सब कुछ ठीक है, मगर मैं वो गुमनाम चोर और स्मगलर नहीं हूं। मिलोर्ड, मेरे मौकिल का मौकूफ बिल्कुल दुरुस्त है। पुलिस और मेरे साथी काबिल वकील इस्तगासा के पास इस बात का क्या सबूत है कि ये वही स्मगलर और डाकू है जो ये समझ रहे हैं, जबकि इस स्मगलर की ना तो कोई तस्वीर पुलिस के रिकॉर्ड में है और ना ही कोई ऐसा निशान जिससे इसकी शिनाख्त हो सके। क्यों नहीं है मिलोर्ड? इस अय्यार मुलजिम को शिनाख्त करने के लिए इसके ही गैंग का एक आदमी पुलिस की हिरासत में है जिसे चंद रोज कबल एक ताला तोड़ते हुए गिरफ्तार किया गया है, लिहाजा मैं अदालत से उस गवाह को पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। तुम्हारा नाम? साबिर। इस शख्स को पहचानते हो? जी हाँ, ये हमारे बॉस हैं, मैं इन्हीं के इशारे पर काम करता रहा हूं। अबे क्यों बकवास कर रहा है, मैंने तो आज तुझे पहली बार देखा है। ऑर्डर, ऑर्डर। हुजूरे वाला, ये जुल्म है, ज्यादती है, नाइंसाफी है। मैं वो नहीं जो पुलिस और वकील साहब मुझे समझ रहे हैं, मैं तो राजा। क्यों ले आए हो? मैं तुम्हें अदालत ही में कुत्ते की मौत मार सकता था, लेकिन यहां यह जानने के लिए लाया हूं कि तुमने मेरे खिलाफ झूठी गवाही क्यों दी, जबकि ना मैं तुम्हें जानता हूं ना तुम मुझे जानते हो, ना उस गिरोह से मेरा कोई ताल्लुक है। जवाब दो, जबान खोल, वरना यह बेजबान बोल तो तेरी खोपड़ी के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। तुझे खामोशी पसंद है? नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं बहुत मजबूर हूं, बहुत मजबूर हूं, मैं बहुत मजबूर हूं। काश आंसू निकलने से पहले मैंने तुझे मार दिया होता। मालूम होता है किसी के जाल में फंसा है। जा, मैंने तुझे आजाद किया, भाग जा यहां से। राजा, मैं वाकई किसी के जाल में फंसा हूं, मुझे इनसे बचा लो, मैं बेगुनाह हूं, मुझे पुलिस के रहमो करम पर छोड़कर मत जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो, खुदा के लिए मेरी मदद करो। Thank you.
करते रहे तो पकड़े जाए हैं। तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाऊँ। और हाँ, अगर कभी मुझसे मिलना चाहो तो रेड्स होटल आ जाना। रेड्स होटल? क्या हुआ, हैरान क्यों हो गए? अरे भी मैं अक्सर वहीं लिखता हूँ। पीटर्स होटल में तो न जाने क्या क्या होता है, वहाँ हर शख्स दारूपिया है। जहाँ जिंदगी सिसकती है और मौत नाचती फिरती है। काबर मौत से क्यों डर गए? अरे मौत तो हमारी जिंदगी है और हम मौत ही से तो खेलना है। हाँ चलो। पंक्चर हो गया। कौन हो तुम? राजा। तुम अंदर कैसे आए? इस दरवाजे से। ये दरवाजा अंदर आने के लिए बनाया गया है और ये दरवाजा बाहर जाने के। तो फिर इसी दरवाजे से बाहर निकल जाओ। चला जाऊं? जी जाऊं। क्या जाऊं? लेकिन बाहर मेरा है और अंदर मुझे डर लगता है। मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से। अरे प्लीज राइस्ता बोलिए, मैं दिल का मरीज हूँ, आपके चीखने से मेरा दिल फेल भी हो सकता है। देखिए तो कैसे धड़क रहा है। धक 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 धक। आई से गेट अप। बड़ी संगदिल है। इस अंधेरी रात में आप मुझे बाहर निकाल रही हैं, मुझे तो डर लग रहा है। अरे ये क्या बगीचा? इससे पहले कि मैं तुम्हारा भूत उतारने पर मजबूर हो जाऊं, यहाँ से चले जाओ, समझे? आप कहीं तो अपनी चेंज करके चला जाओ। जी नहीं, मैं खुद ही बदलूंगी। तो फिर बदलो, मैं देखता हूँ। मैं कहती हूँ यहाँ से चले जाओ वरना। हाँ 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 हाँ, इस बेजबान को आप क्यों तकलीफ देती है भला? मैं खुद ही चला जाता। टाटा टाटा। अरे ये तो शहर के रईस तरीन सेठ करीम की अकलौती बेटी है। अच्छा, अगर हम इसे अगवा कर लें तो इसके बदले में सेठ से अच्छी खासी रकम वसूल हो सकती है। ठीक है, अब ये सोने की चिड़िया हमारे हाथ से बचकर नहीं जा सकती। देखिए मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, जरा स्टेपनी चेंज करने में मेरी मदद करें। थैंक यू। छोड़िए स्टेपनी को, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको ऐसी कई गाड़ियां ले देंगे। क्या मतलब? मतलब भी समझा देंगे। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। कैसे जाने दो? बड़ी मुश्किल से हाथ आई और सोने की चिड़िया अब भाग कर का। Thank you.
अपने भामा पाओ मुझे रुदन पर। अगर जिंदगी चाहते हो तो इस लड़की को मेरे हवाले कर भाई। ए भाई गोली ले चलाना। इन्हें आप शॉप से ले जाइए, मेरी इनसे कोई रिश्तेदारी थोड़ा ही है। मैं नहीं जाऊंगी। आपकी फासले एक कवारा कुत्ते की मौत मारा जाएगा। ओ भाई मेरे, मैंने तो अभी सजा भी नहीं बांधा। अब सीधे रास्ते पर आए हो। अच्छा मुझे डर लग रहा था तो आपने मेरी एक ना सुनी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। जाइए बात किया। आप भी क्या याद करेंगी किसी राजा से पहला बार। देखिए मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा चलिए मेरी गाड़ी में बैठिए। आपकी गाड़ी? जी हाँ इनकी गाड़ी है, मेरी गाड़ी हुई ना। इन्हें पुलिस के हवाले कर दीजिए। पुलिस के हवाले? जी हाँ, ताकि आइंदा ये किसी शरीफ लड़के को परेशान न करे। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलो भाई। अरे कोई बात तो कीजिए, आप तो ऐसे खामोश बैठी हैं जैसे किसी जनाजे के साथ जा रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? फरजाना। अच्छा नाम। जी क्या मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छा नाम है। जी हाँ बहुत अच्छा नाम है। जी सफर भी बड़ा हसीन है। जी हम मुसाफिर बनकर एक दूसरे से मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं कभी ना मिलने के लिए, मगर ये बातें जरूर याद रहेंगी। जी अरे पुलिस स्टेशन तो पीछे रह गया। जी? गाड़ी को पीछे लीजिए, पीछे लीजिए ना गाड़ी। जाइए। कहाँ? इन्हें पुलिस के हवाले नहीं करना। पुलिस? फरमाइए आपको किसकी तलाश है? जी वो कहाँ है? वो कौन? वही गोरे से लंबे से मजबूत जिस्म, जी मेरा मतलब है वही थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे। मोहतरमा पिछले चार घंटे से यहाँ तो आया ही कोई नहीं। जी आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? जी वो मेरी गाड़ी में ये दोनों बदमाश हैं। आपकी गाड़ी में? जी हाँ बंधे पड़े हैं। बंधे पड़े हैं? आपने गिरफ्तार किया उन्हें? इन्हें निकालो। रजिया, रजिया कौन है? मैं हूं सागर। अपनी बहन को बताए बगैर गायब होने से पहले इतना तो सोच लेते कि तुम्हारे साथ मेरा दुनिया में है ही कौन। माँ का पता चला? माँ की तलाश में तो गया था, तो फिक्र ना कर, चंद दिनों में माँ हमारे पास होगी। मगर वो बंदे है ही कौन जो माँ को उठा के ले गए? वह मुझसे सेठों की तिजोरियां खुलवा कर। वो किसी और ग्रह का आदमी जो तुम लोगों के साथ बहरा बनकर काम कर रहा है। अगर इस बात का पता पास को चल गया
तो जानते हो उसका अंजाम क्या होगा। जाओ, मेरा मुंह पर देख रहे हो, अभी इसको पकड़ के जाओ, जाओ। नहीं मिल सकता, ये मेरा ईमान है, मेरा धर्म है और उसका कर्म है। डिनर का वक्त हो गया है, आधी दर्जन प्लेटें और साफ कर दे, उसके बाद हम दोनों इकट्ठे खाना खाएंगे। तुम टेबल के नीचे और मैं टेबल के ऊपर बैठ कर रहूंगा। शाबाश इवो, इधर शाबाश, ये बिल्कुल अच्छी तरह, हाँ बिल्कुल, ये शाबाश, ये और ये और वो, हाँ वो रहा, छोड़ दो मुझे। करो तुम बदल कर हमारे राज चले जाते हो। अच्छा, तुम्हारे राज का तो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन तुम इसकी बीवी को, मेरी बीवी को, हाँ तुम्हारी बीवी को लेकर मौत का कुआं दिखाने ले गया था। और क्या हाँ ना? कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा? यस सर। राजा? अबे तू? आप क्यों रहा? हाँ अब नहीं रहा, जमीन नाप रहा हूँ। ये लो कमरे की चाबी, पिस्तौल तो तुम्हारे पास है ना, बाकी काम ठीक हो गया। अरे तेरी स्कीम पर मेरा कारनामा, एक न एक दिन जरूर रंग लाएगा। आज रंग में भंग पड़ गया। वो आ रहे हैं। कौन? होटल में चटनी खत्म हो गई है, ये मेरी चटनी बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं इनका टमाटो सॉस बना के रहूंगा। Bye!
पर तू मेरी जात बुझा जा ला 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 राजा तुम मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ मेरे साथ जिसे तुमने कहा था रात भर जागूंगी और जगाऊंगी। छोड़ दो मुझे। मैं लाइफ बॉय नहीं, प्ले बॉय नहीं, कव बॉय। यहाँ टूट तो सकता है लेकिन छूट नहीं सकता। अगर तुम चाहते क्या हो? तुम नहीं जानती हो। शट अप। नो सर। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। शायद तुम नहीं जानती हो इरफान तो जहां भी जाएगा अपनी चंपा कली को साथ लेकर जाएगा। आज से तुम मेरी और मैं तुम्हारा, हम दोनों कर लेंगे गुजारा। अब तो मेरे लग जा दिलदार। अरे सुनारे, तुम्हारा आना हमें नहीं दबाया। बदतमीज जरीन, तुम्हें मालूम नहीं था कि इरफान साहब अपना दीवान मुकम्मल कर रहे थे? तुम्हारी ये मजाक, मैं तुम्हारा खोल भी जाऊंगा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात, मेरी बात सुनिए। मुझे जुकाम है, आप मेरे नजदीक ना आए, आपको भी जुकाम हो जाएगा। मुझे जुकाम हो रहा है, जुकाम का। गरीब चाबी बनाने वाला चाबियां बनाता था और अपनी बूढ़ी माँ और अंधी बहन के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करता था। ले खा। साबर हमको बांगना दिया था। किसे दूँ माँ? ले साबर। ले ना। तुम भी लो ना माँ। एक रोज तुम साबिर? जी। मेरे साथ चलो चाबी बनाने। इतवार से छुट्टी करता, कल बना, बहुत जरूरी है। बेटा चला जा, ये जरूरतमंद है। अच्छा मां, अभी आया भैया, जल्दी आना। अरे अभी आया। मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और जब मेरी पट्टी खुली तो मैंने अपने आप को उस गुरु के बीच में पाया। बड़ा डरावना माहौल था, लेकिन मैंने माहौल और साय से मुतासर हुए बगैर उनके ग्रुप में शामिल होने से इनकार कर दिया। जब मैं घर पहुंचा तो तमाम सामान उलट पुलट चुका था और मेरी अंधी बहन ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। पूछने पर बहन ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले
चंद बदमाश मेरी माँ को जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। मैं घबरा कर बाहर भागा। मैं बाहर आया तो वही दोनों बदमाश खड़े थे जो मुझे साथ ले गए थे। मुझे बताया कि मेरी माँ उनके पास है, अगर मैंने उनके गुरुओं में शामिल होकर चोरी की तिजोरी ना खोली तो मेरी माँ को कत्ल कर दिया जाएगा और फिर मेरी बहन का भी यही अंजाम होगा। मजबूरन मुझे की बात मानना पड़ी। फिर एक रोज मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर एक दिन खाने के साथ मुझे एक खत मिला जिसमें लिखा था कि राजा नाम का जो आदमी पुलिस की हिरासत में है उसको अपने ग्रोह का सरगना करार दो। एक बार फिर माँ और बहन की मजबूरी आड़े आई और अदालत में मैंने तुम्हें अपने ग्रोह का सरगना बताया। बहुत खूब। इसका मतलब साबर ये हुआ कि तुम स्मगलरों के बारे में अच्छी तरह जानते हो। वो माल कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा मगर मेरी माँ। शाबाश, हम तुम दोनों मिलकर स्मगलरों का माल पीस से उड़ा लिया करेंगे। मेहनत वो करेंगे, फायदा हम उठाएंगे। तुम और मैं 50-50 के पार्टनर। साबर दिन फिर जाएंगे तुम्हारे। अरे इन पैमन लगे कपड़ों की बजाय बेहतरीन सूट पहनोगे, आलीशान बंगलों में रहोगे, शानदार मोटरों में सफर करोगे। तुम्हारे चारों तरफ दौलत ही दौलत होगी। दौलत, वही दौलत ना जो इंसान से इंसानियत छीन लेती है। सोने चांदी के वही सिक्के जिसकी खातर मुझ जैसे गरीब की माँ को अगवा कर लिया जाता है। वही दौलत ना जो एक इंसान से दूसरे इंसान का खून करवा देती है। मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए राजा, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। अगर तुम ये समझते हो कि मैंने अमीर बनने के लिए तुम्हें सब कुछ बताया है तो मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे मेरे यार, तुम तो जज्बाती हो गए। जरा उन बदमाशों से टकराने दो तो माँ भी मिल जाएगी। सच? हाँ, चलो कुछ खा लो। कसारी से काम लेती रहेंगी तो हमारा इंटरव्यू नाकाम हो जाएगा। आप कुछ बोलेंगी तो आपका नाम होगा, अखबारात में आपकी तस्वीरें छपेंगी। आपने उन्हें कहाँ और किस तरह गिरफ्तार किया? क्या आपने उन्हें बेहोश करने के लिए क्लोरोफार्म इस्तेमाल किया? डैडी, ये सब क्या है बेटी? डैडी प्लीज, पहले इन सब से मेरा पीछा छुड़वाइए, फिर मैं सब कुछ बता दूं। तुम अपने कमरे में जाओ। मेरे आखिरी सवाल का जवाब तो देती जाइए मोहतरमा। प्लीज प्लीज मिस्टर, आप अपने आखिरी सवाल का जवाब फिर किसी वक्त लीजिएगा। आप फरजाना के डैडी, आपको कोई एतराज है? आप अपनी बेटी को किस किस्म की खुराक खिलाते हैं? यकीनन आपकी बेटी सुबह उठकर एक्सरसाइज करती होगी। आपकी बेटी ने बदमाश पकड़ने की ट्रेनर किससे ली है? ओह मिस्टर, प्लीज प्लीज आप जाइए। बताइए हमें, बताइए जल्दी, बताइए हमें जाना है। बस 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 बस। खवातीन क्लब, खवातीन क्लब की तरफ से मिस फरजाना को खराज तहसीन। आज शाम उनके साथ मनाने का फैसला। बहुत खूब, बहुत खूब। अबे उठ। और किसने पुकारा फरियादी, सोने दो हमें शराबी। क्या बात है? आज फराना की बहाली के इजलास में हमारी शिरकत बहुत जरूरी है। तो हमें वहाँ क्या बुजिले का मुजाहरा करना? जल्दी उठ जाओ। अच्छा आया बा। मिस फरजाना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि औरत क्या, औरत पहाड़ की चोटी कर सर कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है। लेकिन जी मेरी बेशक बेशक औरत की बहादुरी की दास्तानों से तारीख भरी पड़ी है। रजिया सुल्ताना, चांद बीबी और झांसी की रानी से कौन वाकिफ नहीं? लेकिन मेरे किस्से में एक मर्जी है क्या? दुनिया के तमाम मर्द झूठे अफसाने तराश तराश कर औरत को बुद्धि साबित करना चाहते हैं, इसलिए कि औरत पर हुक्मरानी करते रहे। मगर आज मैं दुनिया के तमाम मर्दों को बता देना चाहती हूँ कि औरत मुस्लिम नहीं है, औरत मुस्लिम नहीं है, औरत मुस्लिम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, औरत मुस्लिम नहीं 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 है। अबे ये क्या किया? तो की बहादुरी देख रहा हूँ। इधर देख, पानीपत के मैदान में और इसमें क्या फर्क है?
चला गया। हेलो। अरे आप, आपकी बहादुरी की मुबारकबाद देने आया हूँ। अरे जल्दी से छुप जाइए, यहाँ बम फट रहे हैं। अरे बम बम कोई नहीं फट रहा, वो तो पटाखा था। पटाखा? किसी बच्चे ने शरारत की होगी। अच्छा, आप यहीं ठहरिए, मैं सबको आपसे मिलवाती हूँ और उनसे ये भी कहूंगी कि जो कारनामा मुझसे मंसूब किया जा रहा है मेरा नहीं, आपका है। आपको इज्जत और शोहरत मिल रही है ना? मैं उससे बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं नहीं हूँ। अरे सुनिए तो, अरे सर पे बम नहीं था, पटाखा जले हुए कुछ हिस्से मिले। पटाखा? किसी ने शरारत की होगी। आओ बेटी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको असल आदमी से मिलवाना चाहती हूँ। चलो बेटे। आइए आइए। यहाँ तो कोई भी नहीं है, अभी तो यही था, न जाने कहाँ चला गया। जेब का गरीब सही, दिल का गरीब नहीं, गम कोई दुनिया का मेरे करीब नहीं। गली गली में हूँ बदनाम, राजा राजा ओ राजा मेरा नाम, राजा राजा ओ राजा मेरा नाम। जेब का गरीब सही, दिल का गरीब नहीं, गम कोई दुनिया का मेरे करीब नहीं। गली गली में हूँ बदनाम, राजा राजा ओ राजा मेरा नाम, राजा राजा ओ राजा मेरा नाम। पागल कहीं का। यू आर रॉन्ग मैडम। कोई कहे मुझको दीवाना, कोई कहे मुझको मस्ताना, मस्त फिरूं मैं अपनी धुन में हुस्न के जलवों से अनजाना। दूर से हसीनों को सलाम, राजा राजा ओ राजा मेरा नाम, राजा राजा ओ राजा मेरा नाम। मैं खे केड़िया सोचा च पै गए हो बादशाह। पल दो पल का जीना है यार, हंस लगा लो मौज उड़ा लो। पल दो पल का जीना है यारो, हंस लगा लो मौज उड़ा लो। वक्त ने किसका साथ दिया है, करना है जो भी कर डालो। सोच न होगा क्या अंजाम, राजा राजा ओ राजा मेरा नाम, राजा राजा ओ राजा मेरा नाम। एक की जेब है बोझ से भारी, एक की जेब है बिल्कुल खाली। एक की जेब है बोझ से भारी, एक की जेब है बिल्कुल खाली। सबकी जेब बराबर कर दूं, दूर करूं सबकी बदहाली। काम यही है सुबह शाम, राजा राजा ओ राजा मेरा नाम, राजा राजा ओ राजा मेरा नाम। जेब का गरीब सही, दिल का गरीब नहीं, हम दो दुनिया का मेरे करीब नहीं। गली गली में हूँ बदनाम, राजा राजा ओ राजा मेरा नाम, राजा राजा ओ राजा मेरा नाम। मुझे कुछ पता नहीं है। झूठ बोलती है, जिंदगी चाहती है तो सावर का पता लगा ले। मुझे मालूम है, खुदा की कसम मैं कभी नहीं बताऊं। अरुण इसे साली जवान भी है और हसीन भी, जी चाहता है। अभी नहीं, बात कर बोल भी देनी है, फिर कभी सही। अच्छा तो आप बात में बड़ी हुई है।
अच्छा मैं भी वहाँ आ जाती हूँ, मैं भी मुँह छटा मार दूंगी, कभी मुर्गी आई हुई हूँ। मिलना तो आपसे ही है। इससे पहले मैं उनको बता दूँ, बाकी उनसे बाहर नहीं आ सकते, छोड़ दो बच्चे ने छोड़े जाना। कौन था? एक आदमी लंच का पूछ रहा था, मैं उनका घर में जो रेड़ी फिरती है ना उस पर रख के ले रहा हूँ। अच्छा जी आप लंच करें, मैं चलती। कौन हो तुम? मैं पूछता हूँ कौन हो तुम, बताओ कौन हो तुम? अब बताओ तुम कौन भाई? मुझे दांत निकालने वाला शाहकार कहते। ये क्या लड़के, मेरे लिए बैटरी लाओ। अरे अबे अबे क्या कर रहे हो? अबे अरे अबे मैंने भी खाना खाया, क्या कर रहे हो? अरे अबे खाना कसाई के बच्चे, ये मुझे बड़े गोश्त की तरह उल्टा क्यों लटका रखा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब तक तू ये नहीं बताएगा कि तू कौन है, इसी तरह लटकाए रखूंगा। अरे अगर तू इस हालत में पूछे तो मैं बकरे का बच्चा हूँ, अगर तू मुझे सीधा कर दे तो मैं इंसान का बच्चा हूँ। ले मैंने अपना शजरा खोल के रख दिया है, तू ये रस्सी नहीं खोल सकता? जब तक सीधी बात नहीं बताएगा नहीं खोलूंगा। पागल के बच्चे, जब इंसान उल्टा हो तो सीधी बात कैसे कर सकता है? इस वक्त तो मेरी दुनिया उल्टी है, इसीलिए उल्टी चाल चल रहे हो? मेरे पांव आसमान की तरफ है, मैं चाल कैसे चल सकता हूँ? मेरी रस्सी खोल के थल्ले मनुला दे, जे तू मेरी चाल बिगड़ी ओ जालिमा। अरे जालिम मुझे क्यों झूला झूला रहा है? अबे कोपर, अबे तू उल्टा भी लटका? लटका नहीं, लटकाया गया हूँ, जालिमों के हाथों सताया गया हूँ। ये तुम्हारा दोस्त है? और क्या तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ? अरे भाई ये तो अपना बड़ा ही प्यारा दोस्त है, लेकिन मैं तो इसे दुश्मनों का आदमी। उतारो उतारो यार, उतारो जल्दी करो, जल्दी करो। मैं तो इसे दुश्मनों का आदमी समझा था। झांपड़ मार के 32 दांत बाहर निकाल दूंगा, पहले तुझे चमगा दिल की तरह रिहर्सल कराऊंगा, फिर माफ करूंगा जालिम इंसान का बच्चा। अबे पोफर तू यहाँ आया कैसे? झक मारने। ओ यार उससे गलती होगी बेचारे से, चलो गुस्सा छूट दो। बात ये है कि मैं वो डांसर के कमरे से लिफाफा उड़ा लाया हूँ, कोई खुफिया पैगाम लगता है। सदी निकाल, सदी निकाल। क्या? हाँ, क्रिकेट प्लेयर को दोपहर बाद की फ्लाइट पर रिसीव करो। ये तो कोई पैगाम है, क्या मतलब? मतलब ये कि स्मगलिंग रोकथाम। कार क्यों रोक दी? शायद इंजन खराब हो गया है। इंजन नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। नीचे उतरो, उतरो।
उतरो नीचे।
सालगिरह मुबारक हो बेटी। थैंक यू डैडी। भला इसमें हैरत की कौन सी बात है? बात यह है कि मेरे नाना जान मरते हुए मुझको ये नसीहत कर गए थे कि बेटा गम में जाओ ना जाओ, खुशी के मौके पर जरूर जाओ। बस मुबारकबाद देने चला आया जनाब को। मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक। आओ तुम्हें अपने डैडी से मिलाओ। डैडी से? हाँ हाँ ठीक है। अब आप ये पूछेंगी कि मैं तोहफा क्या लेकर आया हूँ, तो मैं ये अर्ज करूंगा कि मैं खुद जो आ गया हूँ, भला कुछ कम है क्या? ये है मेरे डैडी, और डैडी इनसे मिलिए, ये वही हैं जिन्होंने। जी हाँ जी हाँ, मैं वही हूँ जिसका चर्चा शहर शहर गली गली कूचे कूचे में है। महफिलों की जान हूँ, हसीनों के दिल का अरमान। गाता हूँ तो लोग बुलबुल को भूल जाते हैं, और रोता हूँ तो मगरमच्छ को याद करते हैं। आजमाई शर्त है आपके शहर में पहली मरतबा। शुरू होता हूँ, जरा संभल के बैठिए हुजूर। जाए के रहे हम तो तुझे चाहेंगे, नाम लेते हुए एक दिन तेरा मर जाएंगे। जान जाए के रहे हम तो तुझे चाहेंगे, नाम लेते हुए एक दिन तेरा मर जाएंगे। जान जाए के रहे अपनी हस्ती को मिटा देंगे तेरे प्यार में हम, अपनी हस्ती को मिटा देंगे तेरे प्यार में हम। खाएंगे अहले वफा अपनी मोहब्बत की कसम, जान जाएगी मगर नाम तो कर जाएंगे। नाम लेते हुए एक दिन तेरा मर जाएंगे, जान जाए के रहे। मोहब्बत के कमल तेरी जुल्फों में सजा देंगे, मोहब्बत के कमल तेरे कदमों में बना देंगे कई ताजमहल। फूल चाहत के तेरी राहों में बिखराएंगे, नाम लेते हुए एक दिन तेरा मर जाएंगे, जान जाए के रहे। जुदा तुझको सनम कौन कर पाएगा, अब मुझसे जुदा तुझको सनम। बन के साया तेरे हमराह रहेंगे हमदम,
तुझ दर जाएगा, हम साथ तेरे जाएंगे। नाम लेते हुए एक दिन तेरा मर जाएंगे, जान जाए के रहे हम तो तुझे चाहेंगे। नाम लेते हुए एक दिन तेरा मर जाएंगे, जान जाए के रहे। सलीम ने जहरीली सुई चुभोकर अपनी जान दे दी, ये चाबी वहां पड़ी थी। हमने उसका बहुत पीछा किया बॉस, लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गया। ये सब कसूर रशीद का है, जिसने एक अजनबी के हाथ में पैगाम दे दिया। उसे सजा नंबर एक दो। नहीं बॉस, नहीं, रहें बॉस, रहें बॉस। अक्रम, यस बॉस, ये पता लगाओ कि ये चाबी किस होटल की है, फिर उसे ये बताओ कि हमारे हीरे कितने महंगे और उसकी मौत कितनी सस्ती है। ओके बॉस। मुताबिक ये हिस्सा तुम्हारा। राजा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे ना दौलत चाहिए और ना ही ये हीरे। भाई पार्टनर बने हो तो हिस्सा तो तुम्हें मिलना चाहिए। मैंने तो सिर्फ तुमसे मदद मांगी थी कि तुम मुझे मेरी माँ से मिला दोगे। फिक्र ना करो, तुम्हारी माँ भी मिल जाएगी। मुझे तो यूं लगता है साबर, जैसे तुम्हारी माँ को भी सेठ इम्तियाज ने उठवाया है। और मुझे तो ये भी शक है कि सेठ इम्तियाज ही स्मगलरों का सरदार है और वो अपाहज नहीं है। अब पता नहीं मेरा शक सही है या गलत। बहरहाल इस लड़ाई में देखते हैं सेठ इम्तियाज जीतता है या ये माल हमारे कब्जे में आता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो ये हीरे ना पाकर
तुम्हारे साथी को कत्ल कर दें। अरे उसकी फिक्र ना करो साबर, वो तो अपनी जान बचाने के लिए सर पर पांव रखकर भाग रहा होगा। तूने हुलिया क्या बना रखा है? लैला के कुत्ते से इश्क करके आया। लीजिए, इश्क और कुत्ते से। तू भी तो मुझसे कर सकता है। मैंने उसको छिछड़े नहीं दिए, उसने मेरे कपड़े तार तार कर दिए। कमबख्त
हीरे चुराने आया था, पीतल चुरा के ले जा रहा है। देख दे, राजा बहादुरों की कदर करता है। मैं तुझे मारना नहीं चाहता, तेरे साथ दोस्ती करना चाहता। बैठ जा। क्या चलेगा? विस्की ठीक रहेगी? हाँ, शुक्र है बोतल नहीं टूटी। ले लो। हाँ तो मिस्टर हमपेशा, क्यों ना हम मिलकर काम करें, एक दूसरे को लूटने की बजाय किसी तीसरे को लूटे। क्यों, ठीक रहेगा ना? मिला हाथ, दोस्ती वाला सच्चा हाथ। यार इतने बेवफा निकले अभी दोस्ती की और फौरन ही ये नखरे। हे लाला, वरना गोली मार दूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। भागो मत, हीरे निकालो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। पांच तक गिनूंगा, एक, दो, तीन, चार, पांच। बेटे तुम्हारा खिलौना तुम्हारे पास और मौत मेरे हाथ में। तुम्हें किसने भेजा है ताकि मैं उसे इस बदतमीजी का मजा चखाऊं? बताओ। बता तो मुझे ठंडी है।
से लॉन्ड्री बंद हो चुकी। अच्छा, लॉन्ड्री बंद हो गई। इस वक्त खुली क्या है? बार बार। लेकिन बार में बार बार जाने से आदमी बोर हो जाता है और शराबी कहलाता है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, कमरे में बैठ कर पीऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। से भी बोल लाश। खामोश, दीवारों के भी कान होते हैं। तो क्या तुमने? हाँ हाँ, मैंने लाश। चलो ये भी गया, आ जाओ। बुजदिल कहीं का आराम करना बुजदिले नहीं। अक्रम की लाश लिफ्ट से मिली है बॉस। जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार साबिर है, जिसने राजा को हमारे सब राज बता दिए हैं। जाओ उसके घर को आग लगा दो, जो कुछ है फना कर दो, ऐसा सबक दो कि जिंदगी भर याद रखे। जाओ। भैया
ना करते हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दो। तुम्हें मेरे कमरे का पता किसने बताया? कितना प्यारा है ना मेरा कमरा। मैं कहता हूँ मेरी बात का जवाब दो। अच्छी लगती हूँ ना, ये मुझे दे दो। बाकी के हीरा जुड़वा कर लाऊंगा तो बहुत अच्छी लगोगी। बाकी डायमंड कब लाओगे? चंदा जब चाहो, चांद को सर पे रख के ले आऊ, सितारे तोड़कर ले आऊ, भंग चर्स ले आऊ, पुलिस ले आऊ, और अगर बुरा ना मानो तो बारात ले। जवान बेटी की रातें बाहर जाग रही हो तो अपाहज बाप घर की चार दीवारी में तड़प तो सकता है, सो नहीं सकता। माफी चाहती हूँ डैडी, देर हो गई। इतनी देर भी नहीं हुई कि तुम संभल न सको। जी जी, मैं समझी नहीं। ना समझे की उम्र जो हुई बेटी, जिंदगी में सबसे मुश्किल काम इंसान की पहचान है। डैडी, अपाहज बाप जवान बेटी का रास्ता तो नहीं रोक सकता, लेकिन रास्ते की ऊंच नीच तो समझा सकता है। मैंने कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया डैडी। लेकिन तुम जिस रास्ते पर चल रही हो बेटी, उसकी कोई मंजिल नहीं। मुझे डर लगता है कि कहीं अनजाने में कोई धोखा न खा लो। राजा अच्छा आदमी नहीं,
वो तुम्हारी मासूमियत से फायदा उठाना चाहता है। डैडी, मैंने बाप के सीने में मां का दिल बसाकर तुम्हें पाला है बेटी, तुम्हारी खुशियों का दुश्मन कैसे हो सकता हूं? अगर वो तुम्हारे काबिल होता तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझता। आपने उसके बारे में गलत सोचा है डैडी, वो हंसमुख जरूर है, बुरा नहीं। आप उसे करीब से तो देखिए डैडी। मेरी नजरें बहुत दूर तक देख लेती हैं बेटी, मैं उसकी आंखों की पुरस्कार गहराई भी देख रहा हूँ और उसकी शख्सियत के अंदर छुपी हुई एक और मुभव शख्सियत भी, वो मुझे धोखा नहीं देता। खुदा के लिए डैडी, उसके बारे में इस अंदाज से ना सोचिए। वो जो कुछ भी है मेरा सब कुछ है। फरजाना, सिर्फ बाप बनकर सोच रहे हैं तो मेरा गला घोंट दीजिए, जान से मार डालिए। और अगर सीने में माँ की ममता भी जिंदा है तो मेरे जज्बात को यूं ना कुचलिए कि दिल मसला जाए, रूह तड़प उठे और जिंदगी रोग बनकर रह जाए। डैडी, मैं उस ममता से अपनी खुशियों की भीख मांगती हूँ जिसे माँ की मौत के बाद आपने अपने दिल में बसा लिया था। मुझसे राजा ना छीनिए, मेरा सब कुछ छिन जाएगा, कुछ छिन जाएगा। बेटी, वालदैन औलाद को खुशियां बांटा करते हैं, उनसे छीना नहीं करते। राजा से कहो मुझसे मिले, मैं अपना सब कुछ उसके दामन में डाल दूंगा। अरे हाँ डैडी, मैं आपको बताना भूल गई, ये वही है जिन्होंने बदमाशों को पकड़ा। और क्या आज करो हुजूर, बचपनी से बदमाश पकड़ने और बुलबुलें कैद करने की आदत सी पड़ गई है। बदमाशों का बुलबुलों से क्या ताल्लुक? ओह, बड़ा ताल्लुक है जनाब, आगे बताऊंगा आपको। पहले आप ये बताइए, मैं आपको पसंद आया? बस मैं आपका दामाद बन सकता हूँ, वेरी गुड। इसी खुशी में मिस फरजाना को ये एंगेजमेंट रिंग पेश करने की जुरत कर रहा हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो। अब जल चाहूंगा, खुदा हाफिज। शादी की तारीख पक्की करने फिर हाजिर हूंगा। जी ये तो रख लीजिए सारे। यही बात नहीं एसपी साहब, वो चोर उचक्का डाकू अपने आप को शरीफ शहरी कहता है और अपना नाम राजा बताता है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि उसका काम दिन रात चोरियां करना और डाके डालना। सेठ साहब, आप उसे अच्छी तरह जानते हैं कि ये वही राजा है जो दिन रात डाके डालता है और चोरियां करता है। जी हाँ, मैं उसे खूब पहचानता हूँ। वो एक बार दो बार मेरी बेटी फरजाना के साथ मुझसे मेरे घर पर मिलने आया है और एक बार मैंने उसे बहुत लताड़ा और घर आने से मना किया, लेकिन वो नहीं मानता। एसपी साहब, वो मेरी बेटी पर डाका डालना चाहता है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुना है राजा नाम के दो आदमी हैं, अब पता नहीं आप किस राजा की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सुना तो मैंने भी है कोई दूसरा राजा पैदा हो गया है, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं। मैं तो सिर्फ उस राजा को जानता हूँ जो हमें तबाह बर्बाद करने पर तुला है। एसपी साहब, अगर अब भी आपने कुछ नहीं किया तो वो हर से शरीफ और इज्जतदार आदमियों को बिल्कुल ख्वार कर देगा। खुदा के लिए हमें ऐसे वतन दुश्मन लोगों से बचाइए। सेठ साहब, आप ये बात सुनकर खुश होंगे कि हमने रात छापा मारकर एक ऐसे आदमी को पकड़ा है जो अपना नाम राजा बताता है। अगर आप कहें तो मैं बुलाऊं, पहचान लेंगे आप। एसपी साहब, ये तो आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, आप उसे बुलाएं। अगर ये वही राजा है तो मैं उसे फौरन पहचान लूंगा। संधे, राजा को पेश करो। शनाख्त करने में गलती ना कीजिएगा, कहीं उसकी बजाय कोई और गरीब न मारा जाए। नहीं जनाब, मैं उसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। अगर ये बदमाश वही राजा है तो आप उसे 1000 आदमियों में खड़ा कर दे, मेरी उंगली उसी की तरफ उठी। एसपी साहब, यही वो बदमाश चोर उचक्का डाकू राजा है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। तो तुम वही हो जो मुहिब्बे वतन और शरीफ आदमी को तंग करते हो और लूटते हो। एसपी साहब, मैं शेर साहब को भी जानता हूं, आपको भी अच्छी तरह पहचानता हूं। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और समझ लीजिए, राजा ने आज तक किसी जगह 2 दिन से ज्यादा नहीं गुजारे। आज की रात आपकी कोठरी में राजा की आखिरी रात होगी। हुजूर वाला, राजा जो कहता है करके दिखाता है। आज रात मैं आपका आखिरी मेहमान हूं, दुनिया की कोई ताकत राजा को रोक नहीं सकती। ये हथकड़ी, आपकी काली कोठड़ी राजा के रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। बकवास बंद करो, जानते हो किससे मुखातिब हो? मेरा नाम सुन के बड़े बड़े बदमाश काम जाते हैं। मैं कानून से तुम्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखो। कानून?
कौन सा कानून? राजा किसी कानून से नहीं डरता। डरता है तो अल्लाह के कानून से, डरता है तो कुरान मजीद के कानून से। इंसानों का बनाया हुआ कानून जो गरीबों का इस्तेमाल करे, राजा के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। नहीं आए से थैंक यू वेरी मच। अच्छा एस पी साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए। आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं, कोई अच्छी बात नहीं। जाइए। खाने में असली घी का ख्याल रखना भाइयों। ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें एसएसपी से पूछवा देता हूं। हेलो अनवर साहब, मैं सेठ इम्तियाज बोल रहा हूं। आपको राजा के बारे में जो कुछ मालूम है मेरी बेटी को बता दीजिए। गद्दी नंबर 408। राजा, तुम राजा ही नहीं, चोर डाकू मफरूर और कातिल कहो, यही कुछ कहा था ना एसपी ने तुम्हें। पुलिस के रिकॉर्ड में मैंने सिर्फ 5 कत्ल किए, जबकि राजा कल तक 11 कत्ल रहा है, और आज बार वक्त राजा के हाथों तुम्हारा होगा। कान खोल कर सुन लो सेठ, राजा जिस चीज को हासिल करना चाहता है उसकी भीख नहीं मांगा करता, छीन लिया करता है। मैं तुम्हारी लड़की को पसंद करता, उसे अपना बना कर रखूंगा, और अगर कोई मेरे रास्ते का पत्थर बनेगा तो मैं उसे अपनी एक ही ठोकर से हटा दूंगा। ये क्या कर रहे हो? अरे मैं तो ड्रामा कर रहा था। मुझे डॉक्टर ने बताया था कि जो लोग तुम्हारे डैडी की तरह भाज होते हैं उन्हें इस तरह का शॉक ट्रीटमेंट देना मुनासिब होता है, अब जो इंसान की मुर्दा टांगों में जान डाल देता है। मैं तुम्हारे डैडी को वही ट्रीटमेंट दे रहा था। क्यों अंकल, अब तुम्हें नहीं पसंद? ये लो। वह झूठ बोल रहा था। आज वो मुझे कत्ल करने आया था, कल न जाने और कितने कत्ल करेगा, कितनी माओ की गोद उजाड़ेगा, कितनी सुहागनों के सुहाग लूटेगा, और न जाने कितने बच्चों को यतीम बनाएगा। और तुम हो कि उसे अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहती हो। सोच लो, तुम्हें अपने डैडी की जिंदगी प्यारी है या एक कातिल का प्यार? क्या तुम 2 दिन के लिए अपनी मांग को सिंदूर से सजा कर दूसरों की खुशियां बर्बाद करोगी? नहीं डैडी, नहीं। तो फिर उसे गिरफ्तार कराना तुम्हारा फर्ज है। मैं ऐसा ही करूंगी, ऐसा ही करूंगी। हीरे मिले या न मिले, मुझे उसकी लाश चाहिए, लाश। आज रात तुमने अपने हुस्न शबाब की ताकत से राजा को रिट्स क्लब बुलाना होगा, जहां उसके चारों तरफ उसकी मौत मंडरा रही होगी। आहा 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 आहा।
करना मुझे बेकरार था, थोड़ा सा पहले बेकरार चले हो कहा जरा रुक जाओ जी, चले हो कहा जरा रुक जाओ जी, आहा 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 थैली पे जा ब्रीफ केस में दौड़ दिए चले आए चले आए। शहजादी ये सारे दौलत आज मैं तुम्हारे कदमों पे निछावर कर दूंगा, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये हीरे रियासत तेरे हैं, जो कुछ मांग ले, दिल मांग ले, जिगर मांग ले, आज नगद का उधार मांग ले, ये हीरे तुम्हारे हैं, इन्हें संभाल लो। जाने राजा आज मेरे हाथ में हाथ दो ताकि हम गुनगुनाएं और थोड़ा सा डांस करें। लारी री री रा
के पास है, ये बास को जवाब देना। I love you। इससे ये जाहिर होता है कि राजा लिली को, लिली राजा को प्यार करती है। इसी प्यार मोहब्बत में पड़कर लिली अपना फर्ज भूल गई। जो अपना फर्ज भूल जाता है हमारे यहाँ उसका क्या अंजाम है तुम अच्छी तरह जानते हो। यस बॉस। उसको सजा नंबर वन दो, जाओ। शाहीन। यस बॉस। राजा को बता दो कि उसके साथी की जिंदगी उन हीरो में है जो उसके पास हैं। अगर वो उसकी जिंदगी चाहता है तो हीरे वापस कर दे। अंदर बैठ जाओ, कुछ कहना चाहती हूँ। सोच लो, तुम्हें अपने डैडी की जिंदगी प्यारी है या एक कातिल का प्यार? क्या तुम दो दिन के लिए अपनी मांग को सिंदूर से सजाकर तो फिर उसे गिरफ्तार कराना तुम्हारा फर्ज है? मैं ऐसा ही करूंगी, ऐसा ही करूंगी। फरजाना, जानती हो मेरी तमन्ना क्या है? कहीं दूर हमारा एक छोटा सा घर हो, हम दोनों के प्यार के सलाम में डूबा हो, जिसके आंगन में हमारे प्यार की निशानी खेलती फिरे। एक लड़का और एक लड़की, लड़का बिल्कुल मेरी तरह और लड़की बहुत भली भाली, मासूम और बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम भी यही सोच रही हो ना? याद है फरजाना, हम दोनों किस तरह मिले थे इस कार में? एक अजनबी बनकर जिंदगी का एक छोटा सा सफर तय किया था और अब जिंदगी का लंबा सफर तय कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि छोटे सफर की स्टीयरिंग मेरे हाथ में थी और लंबे सफर की स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है। जहां जाओ, जिस मंजिल पर जाओ, ले जा सकती हो। गाड़ी क्यों? मुझे एक सहेली को फोन करना है, एक मिनट में आता हूं। एक मिनट के दो मिनट ना लगा दीजिएगा, इंतजार की घड़ियां बड़ी मुश्किल होती है, ना मालूम यहाँ क्या से क्या हो जाए। अभी आए। सौदा करने आई हूँ। जो नहीं होता। अरे वो तो मौत का सौदा था, जिंदगी की
बात करो, ये भरपूर जवानी, ये खूबसूरती, इसके बारे में क्या ख्याल है? होश की बात करो। किसे होश रहता है तुम्हें देखकर? तुम उन किराए के बदमाशों पर इतबार करती हो? अरे तुम तो इन आंखों से जिसे चाहे कुछ कर सकती हो। छोड़ दो मुझे और कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि तुम्हारा साथी मेरे बॉस के कब्जे में है। अगर तुम्हें अपने साथी की जिंदगी प्यारी है तो उन हीरों के बदले में उसकी जिंदगी को बचा सकते हो। सोच लो इन दोनों में से तुम्हें क्या अजीज है, हीरे या साथी? मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है, मुझे मेरा साथी चाहिए। वेरी गुड, तो फिर हीरे लेकर नरी की पहाड़ी पे पहुंच जाना, तुम्हें तुम्हारे साथी तक पहुंचा दिया जाएगा। और याद रखना, कोई गलत कदम उठाने की कोशिश ना करना, वरना बहुत बुरा होगा और हर कदम पे तुम्हारी निगरबानी की जाएगी। यू अंडरस्टैंड? आदमी को दे दो। जी नहीं, पहले मुझे मेरा साथी चाहिए। इसके साथी को छोड़ दो, हीरे इसको दे दो। क्या सबूत है कि मेरा साथी छोड़ दिया गया? हम लाखों रुपए का कारोबार जबान पर करते हैं, एक दफा जो कह दिया वही होगा। तुम हीरे इसको दे दो। इसमें हीरे तो नहीं है बॉस। क्या? मेरा शक पूरा निकला। तुम्हारा शक तो पूरा निकला, लेकिन तुम यहां से नहीं निकल सकोगे। तुमने सेठ इम्तियाज को बहुत करीब से देखा होगा, लेकिन अपनी मौत को नहीं। आज सेठ इम्तियाज को भूल जाओ और अपनी मौत को गौर से देखो। सेठ साहब, तुम्हारे हीरे बैठ के निचले हिस्से में। गोली मारो हीरो को। हमारी मौत इन हीरो से ज्यादा कीमती है। मेरी जिंदगी मौत से कहीं ज्यादा कीमती साबित हो सकती है सेठ, इसलिए कि इस गिरोह को चलाने के लिए मुझ जैसे बहादुर और चालाक आदमी की जरूरत है। मेरी चालाकी और बहादुरी तो देख चुके हो। राजा, पोपट किधर है? उसे आजाद कर दिया गया है, लेकिन क्लब डांस लिली को वो लोग तहखाने में ले गए हैं। राजा, उसे वहां सांस से दिसवा कर मार देंगे, उसे बचाओ। चल Thank you.
बर्फानी लूंबड़ी अब ये जम गई है, ला इसे मैं गर्म कर दूं। ला ला
रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। राजा तू? अरे इसमें हैरत की कौन सी बात है? तुम तो ऐसे डर गई हो जैसे मैं राजानी को कातिल हूँ। मेरा मतलब यहाँ कैसे? मैं पहले भी यहाँ कई बार आ चुका हूँ लेकिन आज तुम्हारे लिए। जी चलो यहाँ से भाग चले। इतनी दूर जहाँ किसी की आवाज भी मुझ तक न पहुँच सके, वहाँ तुम होगी मैं हूँगा तीसरा कोई नहीं होगा। लेकिन राजा मैंने तुमसे कहा था ना तुम यहाँ से ले जाऊंगा। भाई दुल्हन बनाकर न सही भगाकर सही, मेरे पास वक्त कम है फरजाना। लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? प्यार? हाँ प्यार है। क्या तुमने साथ मरने साथ जीने की कसमें नहीं खाई थी? कसमें खाई थी? तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मेरे प्यार में सब कुछ बात कर सकती हो? कहा था। क्या सोच रही हो? मेरे साथ? मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इस तरह कैसे जाऊँ? डोली में बैठ कर जाऊंगी। मेरा मतलब है वो कपड़े वगैरह ले लूँ। कपड़े? हाँ कपड़े ले लो, जल्दी जाओ। सुनो तुम्हारे पास जितने भी जेवर है साथ रख लेना, जितने भी है तुम्हारे पास वो भी साथ रख लेना, क्योंकि घर से भागे हुए जोड़े यही चीजें बेच कर गुजारा करते हैं। अच्छा। जल्दी जाओ। हेलो एसपी साहब है? जी एसपी साहब बोल रहे हैं। बोल रहा मैं फरजाना हूँ जी। वो कातिल और मफरूर राजा है ना, वो इस वक्त हमारे घर में मौजूद है। जब तक मैं ना पहुँचूँ उसे रोकने की कोशिश करना। जी मैं उसे रोकती हूँ, आप जितनी जल्दी मुमकिन हो पहुँचने की कोशिश करें। जल्दी कीजिए सफर लंबा है वक्त कम। आंखों के सामने तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं रह सकती। तुमने अच्छा किया फरजाना, अपना फर्ज पूरा कर दिया। लेकिन फरजाना मेरा भी तो कोई फर्ज है, मैं भी तो तुम्हें प्यार करता हूं। मैं भाग गया तो दुनिया तुम्हें झूठी गई, तुम्हें वो इनाम नहीं मिलेगा जो मेरी गिरफ्तारी के लिए मुकर्रर है। फरजाना तुम्हारी बड़ी शोहरत हुई थी ना, आज मुझे गिरफ्तार करवा दोगी तो दुनिया तुम्हारी बहादुरी की बहुत तारीफ करेगी। और खुदा के लिए राजा भाग जाओ यहां से। नहीं राजा नहीं। ये पिस्तौल मेरे हवाले करो। गिरा। आई एम सॉरी डैडी। डैडी? ये मेरा बेटा है फरजाना। आपका बेटा यानी एसएसपी का बेटा? हाँ यानी इंस्पेक्टर सलीम ऑफ स्पेशल ब्रांच, सर ऑफ माय फादर उर्फ फैंटमस की वापसी। भागने की कोशिश मत करो, इस दिन के लिए एक एक पल इंतकाम के शोलों में चलकर काटा है। आज मैं तुमसे गिन गिन कर उन जुल्मों का बदला लूंगा जो तुमने मुझ पर, मेरी मां पर और मेरी बहन पर किए। राजा
कुछ देख रही हैं, ये हकीकत है। तो क्या वो सब कुछ? वो एक ड्रामा था जो मैंने तुम्हारे बॉस तक पहुंचने के लिए खेला। और जो खेल तुमने मेरे साथ खेला, क्या वो भी? मोहतरमा, खेल खेल में न जाने क्या से क्या हो जाता है। मैं तुम्हें सुल्तानी गवाह बनाना चाहता। सिर्फ गवाह? कांस्टेबल जी सर, उनको बाइज तौर पर हमारे घर पहुंचाओ और रास्ते में अकबरी मंडी से होते जाना, खाने के लिए आलू और पकाने के लिए आज आलू बुखारा ले देना। और अच्छा, आई लव यू। जसवाई मैंने मरवाना था। कांस्टेबल जी सर, जल्दी से एक गिलास पानी का लाओ, हम इनका स्टेटमेंट अभी और इसी वक्त लेना चाहते हैं। ओके सर। हाँ जी, मैं आपसे जो पूछूं उसका जवाब सही दीजिएगा। बात यह है कि सागर, तुमने कानून का साथ दिया है, कानून यकीनन तुम्हारा साथ देगा। कानून साथ दे ना दे, मैंने तो अपने इंतकाम की प्यास।